यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बलिया के बांसडीह में चुनावी जनसभा में कहा कि सपा बसपा कांग्रेस को ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। सपा सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है और कांग्रेस कालिया नाग है। इससे जनता को बचकर रहना चाहिए। अपने इसी भाषण में मौर्य ने कांग्रेस को पाकिस्तान से भी कनेक्ट किया और पीओके में तिरंगा फहराने की बात कही। ये सपा बसपा कांग्रेस तीनों को आईसीयू में भेज देने का काम आप लोगों ने किया है। अब इनको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सपा सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है और कांग्रेस कालिया नाग है। इनसे बच के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इनको कौन पसंद करता है? पाकिस्तान के कई नेता कहते राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना, इनकी गठबंधन की सरकार बनानी। अरे आप सपने मत देखो पाकिस्तानियों, हमें तो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वहाँ तिरंगा फहराना है। इतना ही नहीं, केशव मौर्य ने सपा बसपा और कांग्रेस को कमीशन खोर, दलाल और भ्रष्टाचारी भी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी पर दिए बयान पर कहा कि कांग्रेस के मुंह से ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल देश चलाया है। जो वादा किया उसका 10% भी पूरा किया होता तो आज भारत विकसित देश होता। कांग्रेस केवल झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। 40 सीट भी देश में नहीं जीतने जा रही है। कांग्रेस कांग्रेस के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस ने अगर 60 साल सरकार चलाया और जो वादा किया होता उसका 10% पूरा किया होता तो भारत विकसित देश होता। लेकिन कांग्रेस झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। उस बूढ़े व्यक्ति को ये कांग्रेस के गांधी खानदान के लोग आगे कर दिए हैं और सबसे बुरी पराजय, यानी 40 सीट भी देश में कांग्रेस नहीं जीत रही। धन्यवाद। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली के दौरान अपने बयान में पीएम मोदी को झूठों का सरदार कहा था। उसके बाद से बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी पर पूरी तरह हमलावर है। बीजेपी के तमाम नेता अपने बयान और भाषणों में कांग्रेस को, राहुल गांधी को ही निशाने पर ले रहे हैं। यही वजह है कि आज यूपी के उप मुख्यमंत्री की भाषा विपक्ष पर इतनी बिगड़ी कि केशव प्रसाद मौर्य सियासी मर्यादा ही भूल गए। उन्होंने सपा को सांपनाथ, बसपा को नागनाथ और कांग्रेस को कालिया नाग की संज्ञा दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।